हेलो एवरीवन, आज हम नॉकआउट फिक्स्चर करेंगे जिसमें आपको 21 टीम्स दी हुई हैं। तो सिंपल कैसे फिक्स्चर बनाते हैं नॉकआउट का, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर ऑफ टीम दी हुई है, नंबर ऑफ टीम 21 है, तो आप उसको यहाँ प्लॉट कर लेंगे 21 तक। ओके, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप नंबर्स को इस तरीके से लिख लेंगे। जो भी आपको नंबर ऑफ टीम दिया हुआ है आप उसको ऐसे प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद आता है नंबर, सबसे पहला कि आपको टीम को दो हाफ में बांटना होता है। अब 21 टीम है, मतलब ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी अपर हाफ में हम टीम बांटेंगे उसमें एक टीम ज़्यादा रखेंगे और जो लोअर हाफ में रहेगी उसमें एक टीम कम रहेगी। आप इसको फॉर्मूले की तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब 21 टीम है, तो अगर मैं यहाँ पे 11 ऊपर 11 रखूँ और नीचे 10 टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ऊपर 11 टीम है, 1 to 11, और नीचे 10 टीम। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर एक टीम ज़्यादा और नीचे एक टीम कम। बट इसका अपर हाफ लोअर हाफ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आई विल शो यू हियर। फॉर अपर हाफ n+1/2, एन हमें कितना दिया हुआ है, एन हमारा होता है ये नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ टीम हमें दिया हुआ है 21+1/2, 22/2 = 11। तो अपर हाफ में हमारी कितनी हो गए, 11 टीम। हमने ऑलरेडी अपर हाफ में क्या किया है, 11 टीम रखा है, और लोअर हाफ में 10। लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है n-1/2। तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 10, राइट? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर हाफ में आया है 11 और लोअर हाफ में आया है 10 टीम। दिस इज कॉल्ड अपर हाफ एंड दिस इज कॉल्ड लोअर हाफ। ठीक है, अब सेकेंड आता है आपका, सबसे पहले आप प्लॉट कर लिया आपने, फिर अपर हाफ और लोअर हाफ में बांट लिया। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका बाई। अब नंबर ऑफ बाईस कैसे निकालते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय को और किस नाम से जाना जाता है। तो बाय इज ऑल्सो नोन एज डमी टीम। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, टू को टू से इतनी बार इंटू करेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, टू को टू से इतनी बार इंटू करेंगे कि वो जो भी आपका यहाँ पे टीम दिया है ना, नंबर ऑफ टीम दिया है उससे या तो वो इक्वल आ जाए और या फिर उसके उससे ज़्यादा आए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 21। तो हम 2 को 2 से इतनी बार इंटू करेंगे कि वो 21 से तो एटलीस्ट ज़्यादा आए या उसके इक्वल आए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि जो 16 है वो क्या है, वो 21 से कम है। मैंने आपको क्या कहा, या तो इक्वल आ जाए या फिर ज़्यादा आए, तो मुझे एक और बार 2 करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो यह है हमारा 32। अब जो भी नंबर आएगा ना उसमें से आप नंबर ऑफ टीम को माइनस कर दीजिए, -21 जो भी आएगा आपका उसमें से आप नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देंगे, आपको बाई मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका बाई हो गया। अब आता है कि आप नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मैचेस के लिए होता है फॉर्मूला n-1। n मतलब 21 और 1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना आ जाएगा, 20। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि आपने निकालिया अपर हाफ, लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाईस, नंबर ऑफ मैचेस, लास्ट आता है आपका नंबर ऑफ राउंड। ये सब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इन सब के मार्क्स होते हैं। तो आप ये स्टेप्स नहीं छोड़िएगा, आप फिक्स्चर बनाने से पहले ये स्टेप जरूर करना। अब आता है नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ राउंड के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आपके यहाँ 2 आए ना वो आपके नंबर ऑफ राउंड होंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारे नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, 5। जितनी बार भी आपने यहाँ 2 लिखा है उतना आप यहाँ नंबर ऑफ राउंड लिख दीजिएगा। अब हम प्लॉट करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी थी, 11। तो अब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे बाई को। तो जो सबसे पहली बाई होगी वो सबसे नीचे वाली टीम को दी जाती है, सेकेंड बाई सबसे ऊपर वाली टीम को दी जाती है। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, पहले सबसे नीचे वाली टीम, देन सबसे ऊपर वाली टीम। इसके बाद
जो थर्ड बॉय है वो लाइन, जो भी आपने लाइन खींची है ना हाफ अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटेंगे, उसके नीचे वाली टीम को दी जाएगी, सबसे नीचे सबसे ऊपर, लाइन के नीचे देन लाइन के ऊपर, ठीक है। तो चार जितने भी, चार बाई का एक सर्कल बनता है, तो चार बाई हमने दे दी, सबसे पहले बाई सबसे नीचे सबसे ऊपर, लाइन के नीचे लाइन के ऊपर, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब फिफ्थ बाई दोबारा से सबसे नीचे देन सबसे ऊपर, लाइन के नीचे, सेवेंथ बाई देन एट्थ बाई लाइन के ऊपर, ठीक है। एट कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, इलेवन है। अगेन रिपीट करेंगे, सबसे नीचे सबसे ऊपर एंड देन लाइन के नीचे, ठीक है। हमारे पास 11 बाई है तो हम सिर्फ 11 बाई ही देंगे, और 11 यहां पे स्टॉप हो गया। अगर 12 होता तो हम अगेन 9 के ऊपर देते, ठीक है। अब आता है हमारा फर्स्ट राउंड, यहां पे हम राउंड लिख लेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने निकले थे, 5, तो हम यहां नंबर ऑफ राउंड लिख लेते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड, राइट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में मैच उनका कराएंगे जो जिनको बाई नहीं मिली है। तो किसको नहीं मिली है, 4 to 5, 6 to 7 एंड 8 9, इधर 15 16 17 18, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब इनमें से आप किसी को भी विनर बोल सकते हैं, ठीक है, यहां लिख सकते हैं, मतलब कोई भी किसी, आपकी मर्जी, किसी को भी आप विनर कराना चाहे। मैंने जैसे 4 को करा दिया, यहां से मैंने 6 को करा दिया, यहां 8 को, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब सेकंड राउंड में बाई भी मैच खेलेगा, याद रखिएगा, बाई सिर्फ फर्स्ट राउंड नहीं खेलता, बाकी सारे राउंड खेलेगा वो। तो यहां से मैंने सेकंड राउंड इसका करा दिया, थर्ड का जो भी विनर जीता था फोर्थ से करा दिया, सिक्स का एट से एंड देन इसका, याद रखिएगा, ये इसके नीचे नहीं जाएगा अभी सेकंड राउंड में तुरंत, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी बाई भी मैच खेल रहा है, अब आप यहां पे किसी को भी विनर कर दीजिए, फॉर एग्जांपल 2 कर दिया मैंने, यहां 3 को कर दिया, यहां 6 को कर दिया, 10 को कर दिया, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल सा डॉट भी डाल सकते हैं। किसी भी एक टीम को आप, जिसका भी मैच कराया उसमें से एक को विनर कर दीजिए। अब आता है थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में क्या होगा, जो भी टीम जीती है उसका मैच करा दीजिए, ठीक है, 18 और 17 20 के साथ। थर्ड राउंड में किसी को भी विनर कर दीजिए, आपकी मर्जी है, सेम प्रोसीजर इसका इसके साथ, 12 का 17। और लास्ट राउंड आएगा, यह है आपका, जो भी यहाँ पे विनर होगा कोई भी, इसका आप इसके साथ, जो भी लास्ट आएगा वो क्या होगा, विनर। आई होप नॉर्मल नॉकआउट फिक्स्चर इज क्लियर टू एवरीवन। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।